दोस्तों नमस्कार। कभी आपने सोचा है कि जीवन में पैसों का इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है? जरा आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जीवन में पैसों का इन्वेस्टमेंट कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है। तो ये समझेंगे इन्फ्लेशन रेट ऑफ इंडिया के जरिए। दोस्तों 1980s की बात करें तो उस समय मारुति 800 एक 47,000 की आती थी और एक लीटर पेट्रोल 5 रुपये की पड़ती थी। अभी क्या प्राइस है यह तो आपको पता ही है, 1980s की प्राइस मैंने आपको बताई। और अगर इन्फ्लेशन रेट ऑफ इंडिया की बात करें तो जनवरी में ही रिपोर्ट आई जिसमें से बताया गया कि 6% के हिसाब से हर साल इन्फ्लेशन रेट हुई है इंडिया में। अब जरा एज्यूम करते हैं 30 साल यानी कि 2052 में क्या होगा इन्फ्लेशन रेट इंडिया का, तो एक मारुति 800 करीबन 17 लाख की आएगी और एक लीटर पेट्रोल की कीमत 432 रुपये होगी। और ये हमने निकाला है 5% ऑफ पर ईयर इन्फ्लेशन रेट। अब आप बोलोगे भाई साहब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का क्या सब्जेक्ट है, इन्वेस्टमेंट का क्या रोल है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा जो पैसा है अगर हर साल इन्फ्लेशन रेट के साथ ही नहीं बढ़ता है, नहीं मल्टीप्लाई होता है, तो हम धीरे धीरे गरीब बनते जाएंगे। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की, हर एक प्रोडक्ट की कीमत हर साल 5% से बढ़ेगी और अगर हमारा पैसा 5% से मल्टीप्लाई नहीं होता है तो हम भाई साहब गरीब होते चले जाएंगे। तो अपने पैसों को इन्वेस्ट करिए ताकि आपका पैसा मल्टीप्लाई हो सके इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा में। तो ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और कुछ एग्जांपल के जरिए आज के इस वीडियो में आपको समझाने की मैंने कोशिश की। तो शुरू कर दो भाई साहब आज से इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बड़ी ज़रूरी चीज़ है। धन्यवाद।